नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, तारीख 5 जुलाई, समय लगभग 9:10। एक ऐसी बड़ी दुर्घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। गांव गोलागढ़ से संदीप और जितेंद्र नाम के दो भाई बाइक पर निकल पड़ते हैं। जितेंद्र का इंटरव्यू होता है या कोई पेपर होता है, उसको जाना होता है भिवानी की तरफ, और दोनों भाई निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही लुहाणी के पास जो पेट्रोल पंप आता है, ठीक पहले वहाँ पर पहुँचते हैं, सामने से एक ट्रक ट्राला आता है, एक बड़ा ट्रक आता है, वो अपनी साइड जा रहा होता है और ये अपनी साइड चल रहे होते हैं। लेकिन अचानक जो है पेट्रोल पंप की तरफ ट्रक वाला मोड़ देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है और जितेंद्र जो है बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, गंभीर हालत में होता है। जैसे ही उसको भिवानी लेके जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जबकि संदीप को भी चोटें आती हैं, लेकिन वह बच जाता है। तो साथियों, आप सोचिए इतनी बड़ी लापरवाही उस ट्रक वाले ने की। एक 18 साल का युवा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, जो तैयारी करता था, पढ़ता था, एक उनका बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बन जाऊंगा, कुछ कर जाऊंगा, उनकी ज़िंदगी जो है उस ट्रक वाले ने छीन ली। और कुछ ही समय बाद पूरे परिवार में मातम छा जाता है। एक, क्योंकि आप सभी को पता है, जब किसी का जवान बेटा जाता है तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। सबसे पहले तो हम जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, खासकर उनके माता पिता भाई बहन, उनको इस दुख की घड़ी में सांत्वना देते हैं। जितेंद्र भाई जो है वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को जो है हिम्मत दें। लेकिन साथियों, ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, कभी आपने सोचा है? अगर ट्रक वाला अगर इंडिकेटर देता या कोई संकेत देता या फिर हाथ निकालता कि भाई मुझे इस तरफ जाना है, तो शायद ये घटना नहीं होती। अचानक से उस ट्रक को रॉन्ग साइड में लेके जाना उन बच्चों के लिए भारी पड़ गया। लगातार आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि भाई किस तरह से ये घटना घटी है और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। तो अब जो है पुलिस तहकीकात में लगी हुई है, उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रही है कि आखिर वो कौन था। और हर जगह जो है जुई के अंदर भी सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया है और जल्द ही जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। प्रतिवर्ष हमारे देश के अंदर लगभग लाखों जो है मौतें एक्सीडेंट के कारण होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि लापरवाही मेन चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं शराब पीकर ड्राइव करते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है, जब वो किसी गाड़ी के पीछे चलते हैं तो रॉन्ग साइड से जो है ओवरटेक करते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है, जब कोई भी टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पर ओवरटेक करते हैं। यानी कि दुर्घटना अगर आपको कम करनी है तो इस तरह सावधानी बरतनी होगी। आप जब भी आप कोई व्हीकल लेकर घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो आपको क्या कुछ कहना है इस दुखद घटना के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। राम राम।